हेलो दोस्तों, चलिए ये आर्टिकल हमारा है माओवादी या नक्सलवादियों से संबंधित। छत्तीसगढ़ के जंगल महल और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली सहित देश के तमाम माओवादी हिंसा से प्रभावित इलाके में किस तरह की चुनौतियां खड़ी हैं यह सभी जानते हैं। यह भी तथ्य है कि इन इलाकों में समस्या से निपटने से लेकर सुरक्षा बलों की निगरानी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि इसके बावजूद माओवादियों पर पूरी तरह काबू पाना कैसे संभव नहीं हो पा रहा है। रविवार को सामने आई एक खबर के मुताबिक बस्तर में माओवादी हिंसा में से सबसे ज़्यादा प्रभावित सुकमा जिले में कुछ समय पहले CRPF के एक शिविर के ऊपर ड्रोन यानी मानव रहित यान मंडराता देखा गया। जैसे ही CRPF के जवान सक्रिय हुए वैसे ही वह गायब हो गए। यह इस बात का साफ संकेत है कि एक तो ड्रोन जैसे संवेदनशील साधन भी माओवादियों की पहुंच के दायरे में आ चुके हैं और दूसरे वे उनके जरिए अपने प्रभाव वाले इलाकों में सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर निगरानी करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि अब तक इस उपकरण का उपयोग केवल सुरक्षा बल माओवादियों पर निगरानी के लिए करते रहे। इस घटना के सामने आने के बाद सुरक्षा बलों को डॉन पर नज़र पड़ते ही नष्ट करने के आदेश दिए गए। लेकिन इससे यह साफ है कि माओवादी प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। निश्चित तौर पर यह गहरी चिंता की बात है कि इसके बाद यह पता लगाने की ज़रूरत है कि माओवादी समूह तक ड्रोन जैसे संवेदनशील उपकरण कैसे पहुंचे और इसका जरिया कौन। फिलहाल इस मामले में शुरुआती जांच के दौरान खुफिया एजेंसियों को मुंबई के एक दुकानदार पर शक है कि उसने अज्ञात लोगों को ड्रोन बेचे थे। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब माओवादियों के पास निगरानी रखने के लिए ड्रोन या दूसरे उपकरण होने के संकेत मिले हों। करीब 4.5 साल पहले खुद माओवादियों की एक चिट्ठी के जरिए हुए खुलासे के हवाले से यह खबर आई थी कि सुरक्षा बलों से मुकाबले करने के लिए वे ड्रोन और मोर्टार बनाना सीख रहे हैं। इसके अलावा वे मोटरसाइकिल के इंजन को जोड़कर ड्रोन और रिमोट के जरिए IED विस्फोटक करने की तकनीक पर भी काम कर रहे हैं। यानी अब तक इस संदर्भ में जो ब्यौरे उपलब्ध हो सके हैं उससे यही संदेह है कि माओवादी समूह की पहुंच या तो ड्रोन मुहैया कराने वालों तक है या फिर वे इस तरह तैयार करने की क्षमता विकसित कर चुके हैं। जाहिर है कि दोनों ही स्थितियों में यह सुरक्षा बलों और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि माओवादी समूहों की आधुनिक तकनीक तक पहुंच का सामना कैसे किया जाए। विडंबना यह है कि एक ओर माओवादी प्रभावित इलाकों में समस्या पर काबू पाने का दावा किया जा रहा है और दूसरी ओर माओवादियों की क्षमता में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि आए दिन माओवाद प्रभावित इलाकों में तैनात CRPF के शिविर या काफिलों पर घात लगाकर हमला किया जाता है और उसमें नाहक के जवानों की जान चली जाती है। दरअसल बस्तर या गढ़चिरौली जैसे उन क्षेत्रों की जटिल भौगोलिक संरचना माओवादियों को अपने अनुकूल लगती है और वहाँ कई बार किसी हमले को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि यह भी सच है कि सुरक्षा बलों ने भी अक्सर अभियान चलाकर माओवादियों पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन डॉन से CRPF शिविर की निगरानी के ताज़ा मामले से साफ है कि सुरक्षा बलों को अब अतिरिक्त चौकसी बरतने की ज़रूरत है। चलिए तो ये था हमारा एक आर्टिकल माओवादियों से संबंधित।